वेल जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि टाटा पावर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होगा, और अगर नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके टाटा पावर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, वरना आप पैसा कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह बात आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि टाटा पावर से रिलेटेड क्या नया अपडेट निकलकर सामने आया है जिसका इस कंपनी के शेयर प्राइस पर आने वाले कुछ समय बाद अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि 2-3 सालों बाद यह कंपनी अभी जहां है वहां से किस स्तर पर पहुंच चुकी रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। हम जानते हैं कि टाटा पावर बिजली बनाने वाली कंपनी है, इसके अलावा यह बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम स्वयं करती है। अडानी पावर के जैसा नहीं है, अडानी पावर सिर्फ बिजली बनाती है, उसकी बिजली को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम दूसरी कंपनियां करते हैं। हम लोग फिलहाल फोकस करते हैं टाटा पावर पर। टाटा पावर का एम है कि आने वाले कुछ सालों बाद वर्तमान में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है उनमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू किया जाए। इसके अलावा टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी काम काफ़ी तेज़ी से कर रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में इस कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर आज इसके दिन भर के कामकाज की बात करें तो आज यह स्टॉक 230 रुपये पर ओपन हुआ था। दिन भर में इसने 235 रुपये का हाई भी लगाया, लेकिन शाम होते होते इसने 229 रुपये पर क्लोजिंग दे दिया। जहां से ओपन हुआ था वहां से भी 1 रुपये कम पर इसने क्लोजिंग दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इसके वर्तमान की शेयर प्राइस को लेकर चिंता मत करें। अगर आप 2 साल पहले से स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 2 साल पहले इसका प्राइस सिर्फ 30-35 रुपये के आसपास हुआ करता था। इसी मई जून की मैं बात कर रहा हूँ। अब जरा आप सोचिए कि जब कंपनी इतने क्षेत्रों में इन दिनों काम कर रही है, भविष्य के हिसाब से काम कर रही है और नित्य नए इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आने वाले 2 सालों बाद इस कंपनी का प्राइस कहां होगा, किस स्तर पर यह कंपनी पहुंच चुकी रहेगी और साथ में अपने इन्वेस्टर्स को कितने कमा कर दे चुकी रहेगी, इसका अंदाजा आप स्वयं से लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं इस कंपनी से रिलेटेड क्या नया अपडेट निकलकर सामने आया है। तो देखिए, नया अपडेट यह है कि कंपनी कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, यह बेसिकली एक बिल्डर्स की कंपनी है। यह मुंबई और पुणे बेस्ड कंपनी है तथा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम करती है, यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का काम करती है। इस कंपनी ने टाटा पावर के साथ टाई अप किया है चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। इस कंपनी को चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है। इन दिनों अगर बात करें तो हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी सारे कंपनी ने टाटा पावर के साथ टाई अप किया है चार्जिंग स्टेशन बैठाने के लिए। अगर मई में ही देखें तो हुंडई मोटर्स ने टाटा पावर के साथ टाई अप किया है चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। वो चाहते हैं कि उसके शोरूम के बाहर एक चार्जिंग स्टेशन हो ताकि लोगों को अपनी गाड़ी को चार्ज कराने के लिए दूसरे चार्जिंग स्टेशन पर न ले जाना पड़े। कुछ समय पहले ही टाटा पावर ने रुस्तम जी ग्रुप के साथ भी टाई अप किया था। बेसिकली रुस्तम जी ग्रुप ने ही टाटा पावर के साथ टाई अप किया था, उनको भी चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है इसलिए। तो हम देख रहे हैं कि टाटा पावर को नित्य नए चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, तो यह कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर है। और कंपनी इस क्षेत्र में यानी कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के मामले में टाटा पावर से बेहतर कोई दूसरी कंपनी वर्तमान में नहीं दिख रही है, इसलिए इसका फायदा इस कंपनी को ज़्यादा मिलने वाला है। इसके अलावा एक और मजेदार बात आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप उसको चार्ज कराने के लिए किसी चार्जिंग स्टेशन पर लेकर जाते हैं तो बैटरी को चार्ज होने में कुछ समय लगता है, जिससे आपका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। तो इस समस्या को देखते हुए टाटा पावर ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इसने DDL यानी कि दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप में यह होगा कि लोग पहले से अपने गाड़ी के लिए बैटरी बुकिंग कर लेंगे ऐप के थ्रू, और जब लोग उस चार्जिंग स्टेशन पर जाएंगे तो वहां रुक कर बैटरी चार्ज करने का झंझट नहीं रहेगा, बल्कि अपनी डिस्चार्ज बैटरी देंगे और पहले से चार्ज हुई बैटरी अपने गाड़ी में लगाकर अपने गंतव्य को चलते बनेंगे। टाटा पावर के इस सराहनीय कदम की लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, और हालांकि इसकी चर्चा होनी भी चाहिए, यह सराहनीय कदम है क्योंकि इस समस्या के बारे में अभी तक किसी दूसरे कंपनी ने नहीं सोचा था। हालांकि चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले टाटा पावर के अलावा भी कंपनियां हैं, लेकिन यह काम टाटा पावर ने पहले किया है, यह बहुत अच्छा काम किया है। तो हम देख रहे हैं टाटा पावर जिस तरह से अपने कामकाज में तब्दीली ला रहा है, बहुत अग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत दिख रहा है, इसका फायदा इस कंपनी को, कंपनी के इन्वेस्टर्स को आने वाले समय में जरूर होगा। तो ये बेसिकली कुछ अपडेट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ टाटा पावर से संबंधित ये अपडेट आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल है, कोई शंका है तो मुझसे कमेंट में पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।